अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि अगर हम कोई भी नई वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल जाए। अच्छा, तो आज मैं आपको T6 की कैलिब्रेशन बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपने मीटर को ऑन कर लेना है। मीटर ऑन करने के बाद ये सी का और ज़ीरो का बटन, इन दोनों को आपने इकट्ठा प्रेस करना है। जब आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो D1 आ जाएगा, मतलब इसकी आपने डिवीजन सेट करनी है कि आपने इसको कितने ग्राम पर चलाना है। तो मैंने इस टाइम इसको 100 ग्राम पर चलाना है। अगर आपने चेंज करना है तो ये T की मदद से चेंज कर सकती है। ये 100 ग्राम पर मैंने 100 ग्राम पर चलाना है और एक डेसिमल पॉइंट रखना है। तो और ज़ीरो की मदद से अगले फंक्शन पर हम जा सकते हैं। DP मतलब डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट भी आपने अगर चेंज करने होंगे तो आप P की मदद से चेंज कर सकते हैं। मैंने इस टाइम इसका डेसिमल पॉइंट 1 ही रखना है। तो इसे अगले फंक्शन में जाने के लिए हम 0 का बटन दबा देंगे। कैपेसिटी आपने इसकी जितनी रखनी है आप रख सकते हैं। मैंने इस टाइम इसकी टन कैपेसिटी रखी हुई है। चेंज अगर आपने करनी हो तो T की मदद से और प्लस की मदद से हम आगे जा सकते हैं और ये 0 का बटन दबा दिए। नो लोड आ गया तो इसका इस टाइम प्लेटफार्म पर कोई भी वजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। उसके बाद आपने ये स्टेबल की लाइट जब जल जाएगी ना, आपने T की जो बटन है ना इसको एक दफ़ा प्रेस कर, ओ टी का कह रहा हूँ, 0 का बटन एक दफ़ा आपने प्रेस कर देना। ऐड लोड आएगा तो आप यहाँ पे आपने प्लेटफार्म के ऊपर वजन रख लेना जो आपके पास वजन होगा। इस टाइम मेरे पास 20 किलो का वजन है, ये मैं प्लेटफार्म के ऊपर रख दे। 20 किलो का वज़न रख के जैसे ये स्टेबल की लाइट ऑन होएगी तो आपने यहाँ पे जितना वज़न रखा है वो लिख लेना है। ये प्लस की मदद से हम आगे जाएंगे और यहाँ पर 20 लिख देंगे। T की मदद से 20 लिखकर हमने 0 का बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वज़न है, जो कैलिब्रेशन है, वो हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।